global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. I think मैं ऐसे बिना कुछ किए बैठ नहीं पाती हूँ, कुछ ना कुछ होता रहता है. तो अभी मेरा फर्स्ट फिल्म मूतोन जो है रिलीज़ हुआ है. मैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और ब्लेस्ड फील करती हूँ कि इतनी अच्छी फिल्म में मुझे डेब्यू करने का मौका मिला है, और वो भी इतनी अच्छी टीम के साथ. और साथ साथ तो मूतोन की शूटिंग में काफ़ी टाइम लगा था, तो ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने एक्सप्लोर किया अपनी राइटिंग को भी. मैंने लिखना शुरू किया, अपनी पहली शॉर्ट फिल्म लिखी है मैंने, फेडेड है उसका नाम, जो कि इस साल रिलीज़ हुआ था. उसका भी रिस्पांस लोगों से बहुत अच्छा है, तो बहुत ज़्यादा इनकरेज्ड और ऑफकोर्स एक पुश मिलता है कि अच्छा लेट मी मे बी राइट मोर. तो अभी आई एम राइटिंग समथिंग न्यू एंड हाँ. आमिना बेसिकली एक विलेज गर्ल है, गांव की लड़की है, लक्षद्वीप से है वो. और उसका जो और लक्षद्वीप में जो गांव के लोग हैं उनका लाइफ बहुत ही डिफरेंट है, उनकी भाषा बहुत अलग है. तो ये सब मुझे सीखना पड़ा, अडेप्ट करना पड़ा उस सिचुएशन में. और गीतू मोहनदास जो है बहुत ही रियलिस्टिक डायरेक्टर हैं, तो उनको कुछ ऐसे मेकअप शेकअप और यू नो फेक कुछ भी नहीं चाहिए, इट हैज़ टू बी रियल. तो मैंने अपने आप को बहुत लेट गो करना सीखा एज एन एक्टर, टू जस्ट be in the moment and let go. तो बहुत ही interesting character था. वहाँ के लोग बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा आपको welcome करते हैं, आपको बहुत अपना feel कराते हैं. तो उनके साथ time spend करके उनकी भाषा सीख के मैंने वो character play किया. और बाद में मेरी character में काफ़ी transition आता है, तो वो मुंबई में एक बार dancer के रूप में आती है film में. तो वो ट्रांजिशन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था. उसके लिए गीतू ने मुझे बोला कि तुम बहुत ज़्यादा पतली हो, तुम 6 kgs गेन करो, मुझे ऐसे फ्लैट एब्स वाली बार डांसर नहीं चाहिए, मुझे रियलिस्टिक लोग चाहिए. तो आई गेन द वेट ऑल्सो फॉर दैट. एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि उससे पहले हमने रिसर्च करने के लिए भी हम डांस बार्स में गए थे बॉम्बे में, और वहाँ के परफॉर्मर्स को ऑब्जर्व करना, व्हाट आर दे फीलिंग, वो क्यों लाइक व्हाई दे आर इन व्हाट दे आर डूइंग, सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स मैंने रिसर्च किया था. बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए ये. एज एन एक्टर मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रो हुई हूँ. तो या एंड ऑफकोर्स इंट्रोडक्शन मेरा फिल्म में एज अ मरमेड होता है, तो कौन सी लड़की नहीं चाहती है कि यू नो टू बी इंट्रोड्यूस एज अ मरमेड. दैट वॉज ब्यूटिफुल. दैट्स अनदर थिंग, बिकॉज गीतू वुड टेल मी, मतलब रोज शी वुड जस्ट से दैट यू कम ऑन सेट एंड यू वॉच एंड यू सी यू लर्न. एंड दैट वे आई फेल्ट मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेज किया है, मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज दिए टू लर्न द बिहाइंड द सीन्स ऑफ हाउ फिल्म मेकिंग वर्क्स एंड कितना थॉट हर चीज़ में जाता है. गीतू एज अ डायरेक्टर इज़ ऑल्सो इट्स अमेजिंग टू वॉच हर प्रोसेस. वो अपने हर एक एक्टर को बहुत स्पेस देती हैं टू एक्सप्लोर की ओके व्हाट डू दे फील इन दैट मोमेंट, व्हाट विल देयर कैरेक्टर डू. तो लॉट ऑफ द टाइम्स हम अभी सीन शूट करने से पहले गीतू एक्टर्स के साथ बैठेगी एंड शील जस्ट से ओके डू द सीन, देन ऑन द स्पॉट शील चेंज एवरीथिंग और वील चेंज एवरीथिंग, क्योंकि इन दैट मोमेंट मे बी माई कैरेक्टर फील्स लाइक डूइंग दिस. And so whatever we works. So it was a very spontaneous experience. Yeah. Nice. Response to film ka bahut zyada amazing raha hai, and I think that is the most special thing mere liye, kyunki log itni achhi baatein bol rahe hai about the film. Hamari audience kafi had tak usko accept bhi kar pa rahi hai, kyunki jo subject matter hai maybe some people say it's controversial. तो एंड सभी परफॉर्मर्स के बारे में बहुत पॉजिटिव फीडबैक आया, विच आई थिंक इज़ गीतू मोहनदास क्रेडिट, बिकॉज शी इज़ अ ब्रिलियंट डायरेक्टर हु रियली ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन यू एज एन एक्टर. तो लाइक मेरे को जो सबसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, काफ़ी लोगों ने आके बोला है कि यू नो इट्स लाइक तुम एक्ट नहीं कर रहे हो, तुम जी रही हो उसको. तो वो मेरे लिए सबसे बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट था. तो अनुराग सर हमारे फिल्म में स्टार्टिंग से इन्वॉल्व थे, उन्होंने डायलॉग्स भी लिखे हैं मूतोन के, हिंदी जो डायलॉग्स हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा है, वो बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है और क्रिएटिवली आपको बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं. तो
लाइक आई सेड मूतोन की शूटिंग में काफ़ी टाइम लगा था, तो उस टाइम पे मेरे को ऐसे आइडियाज़ जब आने लगे तो मैंने एके सर से बोला कि सर यू नो आई एम थिंकिंग ऑफ राइटिंग एंड ऑल ऑफ दैट. तो वो बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि करो, डू वॉट यू फील पैशनेट अबाउट एंड फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स. और मैंने अपना फर्स्ट ड्राफ्ट भी उनको भेजा था, मेरी शॉर्ट फिल्म का फेवरेट का फर्स्ट ड्राफ्ट. एंड एट दैट टाइम बिकॉज आई डेंट नो कि स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, तो मैंने बहुत ही लंबी चौड़ी कहानी नॉवल जैसे लिखी थी उसको. तो उसके लिए मुझे बहुत डांट पड़ी कि ये क्या है, तुमने इतनी बड़ी कहानी बनाई, उसको स्क्रिप्ट बनाओ. तो बहुत ही केयरिंग एंड क्रिएटिवली एनकरेजिंग पर्सन है, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा उनके साथ. उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक स्पेशल अपीयरेंस रोल है मेरा. बहुत एक्साइटेड फील कर रही हूँ टू बी अ पार्ट ऑफ लाइक दिस बॉलीवुड फिल्म. एंड बिजॉय नंबियार इज़ अ वेरी परफेक्शनिस्टिक डायरेक्टर, और बहुत ही क्रिएटिव स्पेस में उनका जो एक विजन है फॉर द फ्रेम्स, द वे दैट ही एनविजन्स की हाउ द कैरेक्टर्स इंटरैक्ट, बहुत ब्यूटिफुल है. एंड एज अ राइटर ऑल्सो ही इज़ वेरी ब्रिलियंट. सो यू नो आई इवन टॉक टू हिम एज अ राइटर, वी हैव लाइक एक्सचेंज्ड आइडियाज एंड थॉट अबाउट यू नो राइटिंग थिंग्स. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ही ऑल्सो आई वुड से लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए. आई वॉन्ट टू वर्क विद लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं इन द इंडस्ट्री, एंड आई थिंक देर इज समथिंग आई कैन लर्न फ्रॉम एवरी वन. तो आई वुड लव टू वर्क विद विक्की कौशल और आयुष्मान खुराना और एनी ऑफ द एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स और न्यू एक्टर्स फॉर दैट मैटर. या डेफिनेटली राइट. इन फ्यूचर एनी ऑफ योर अपकमिंग प्रोजेक्ट एज अ डायरेक्टर और राइटर सॉरी माय फ्यूचर. सो हाँ, राइट नाउ आई एम राइटिंग समथिंग. अभी राइटिंग स्टेज है, तो आई डोंट नो व्हाट इट्स गोइंग टू बिकम. एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन ताइश. दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. थैंक यू सो मच. मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें.